गुड मॉर्निंग एवरी वन. टुडेज अवर टॉपिक इज म्यूचुअल इंडक्शन. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन. सो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द टू कॉइल्स. सपोज दैट दिस वन इज द फर्स्ट कॉइल and this one is second coil. So it is a property of two coils by virtue of which each one opposes any change in the strength of current, any changes in strength of current flowing through the another by developing an opposing EMF. So how can we explain this definition? तो first of all हमने यहाँ पे दो कॉयल ली हैं. इसमें से आपने एक कॉयल ऐसी ली है जिसमें आपने बैटरी, एक सेल और एक की लगा दी है K, ठीक है. और second जो कॉयल है इसमें कोई भी सोर्स नहीं रखा, यहाँ पे आपने केवल एक गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, ठीक है. अगर मैं इस की को ऑफ रखता हूँ तो इस कॉयल में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी. इट मींस वैल्यू ऑफ करंट इन दिस कॉयल इज ज़ीरो. और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, इट मींस यहाँ भी करंट ज़ीरो. ये तो सिंपल पॉइंट है. अगर आप यहाँ पे करंट फ्लो कराते हैं, इट मींस अगर आप ये कनेक्शन दे देते हैं तो उस कंडीशन पे यहाँ पे करंट फ्लो करेगी. और मैं जो करंट फ्लो करा रहा हूँ वो कांस्टेंट है, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में आई की वैल्यू चेंज नहीं हो रही. सो आई की वैल्यू चेंज नहीं हो रही तो यहाँ पे जो कॉयल में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा बी, वो भी कैसा होगा, कांस्टेंट होगा. बी कांस्टेंट होगा तो जो इससे फ्लक्स पास आउट होंगी वो भी क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी. बिकॉज फ्लक्स फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू बी ए. फ्लक्स जो यहाँ से पास आउट हो रही हैं वो फ्लक्स का कुछ पार्ट इस कॉयल से भी जाएगा, तो यहाँ पे भी फ्लक्स क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी. ओके, और जब फ्लक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, ज़ीरो. सो इंड्यूस्ड करंट भी कितनी होगी, ज़ीरो होगी, ठीक है. तो जिस कॉयल में आप करंट फ्लो कराते हैं, जहाँ पे सोर्स लगाते हैं, उस कॉयल को आप नेम देते हैं प्राइमरी कॉयल. और ये सेकंड जो कॉयल है आपकी, ये सेकेंडरी कॉयल होती है. तो इस कॉयल में करंट जब आप कांस्टेंट देंगे तो यहाँ पर आई की वैल्यू कांस्टेंट होगी, ड्यू टू विच बी जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जनरेट होगा वो भी कांस्टेंट होगा, ड्यू टू विच जो फ्लक्स हमारी पास आउट हो रही है इस कॉयल से या फिर इस कॉयल से, वो भी पास आउट जो हो रही है वो कांस्टेंट होगी, क्योंकि ना तो इनके बीच रिलेटिव मोशन हो रहा है, ना बी चेंज हो रहा है, ना ए चेंज हो रहा है. सो जब फ्लक्स यहाँ पे कांस्टेंट रही तो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, ज़ीरो. और जब इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़ीरो होगा तो इंड्यूस्ड करंट भी कितनी होगी, ज़ीरो होगी, ठीक है. बट अगर मैं इस करंट को कांस्टेंट ना लेके वेरिएबल ले लेता हूँ, इट मींस करंट इन द फर्स्ट कॉयल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो आई अगर वेरिएबल होगी तो जो बी होगा वो भी आपका क्या करेगा, वेरी करेगा. और जब अगर बी वेरी करेगा तो यहाँ से जो फ्लक्स होगी वो भी क्या करेगी, वेरी करेगी. और जब फ्लक्स वैरी करेगी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी, कुछ ना कुछ होगी. तो यहाँ पे इंड्यूस करंट भी हमारी कुछ ना कुछ होगी. इस पूरे इंसिडेंट को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन. इस कॉयल में करंट फ्लो करी जिसकी वजह से यहाँ पे करंट फ्लो कर रही है. अब जो इंड्यूस करंट होती है वो अपने कॉस का ही अपोज करती है. तो यहाँ पे करंट अगर आप इस डायरेक्शन में फ्लो करा रहे हैं, ये आपकी करंट आपकी फ्लो हो रही है,
तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो करंट होती है वो पोल बनाती है साउथ, तो यहाँ होगा नॉर्थ। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉइंट आ रहा है वो ये है कि म्यूचुअल इंडक्शन जब यहाँ पर हुआ, तो इस म्यूचुअल इंडक्शन में क्या हो रहा था, करंट की वैल्यू प्राइमरी में चेंज हो रही है और यहाँ पर इंड्यूस करंट जो प्रोड्यूस हो रही है, और इंड्यूस करंट क्या करती है, अपने कॉस का अपोज। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है वो ये हो रही है, तो यहाँ पर जो इंड्यूस करंट होगी वो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो ये डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट हो जाएगी। इट मीन्स जस्ट लाइक दिस अपोजिट। ठीक है, अब इसी पार्ट को हम लोग अगर न्यूमेरिकली मैथमेटिकली देखते हैं तो जो फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉयल, फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉयल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन प्राइमरी कॉयल। तो जब आप ये प्रोपोर्शन का साइन रिमूव करते हैं तो यहाँ पर एक कोफिशिएंट यूज करते हैं जिसे हम m से डिनोट करते हैं, एंड m इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, यूनिट पे आ जाएंगे तो m का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फाई अपॉन आई। सो यूनिट इज वेबर पर एम्पियर। अगर आप इंड्यूस GMF निकालते हैं सो फॉर्मूला माइनस डी फाई बाई डी टी। सो व्हेन वी रिप्लेस फाई बाय एम आई देन वी गेट एम डी आई बाई डी टी माइनस ई। सो एम इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी। तो फ्रॉम दिस यहाँ से अनदर यूनिट निकलेगी आपकी, EMF यूनिट इज वोल्ट, दिस वन इज एम्पियर एंड सेकेंड एंड विच इज ऑल्सो कॉल्ड हेनरी। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान से देखना है म्यूचुअल इंडक्शन का। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कपलिंग को डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा।